हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामा टेक। अगर आप नॉर्थ बिहार से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बिजली का बिल कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। आप घर बैठे मोबाइल से बिजली का बिल डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सर्च बार में टाइप कीजिए नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार सर्च कर लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कृपया उपभोक्ता संख्या डालने पे क्लिक करना है। इस बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे उपभोक्ता संख्या डाल दीजिए। उपभोक्ता संख्या डालने के बाद में सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CA कंज्यूमर नंबर आपका आ गया। उसके बाद में कंज्यूमर नेम आपका, जो जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद बिल मंथ, जुलाई का बिल है ये। उसके बाद ड्यू डेट 22 जुलाई को ये ड्यू डेट है। उसके बाद आप नेट पेबल बिफोर ड्यू डेट, आप सब यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपको बिल देखना है, आपका बिल डाउनलोड करना है, तो व्यू बिल पे क्लिक कर दीजिए। व्यू बिल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये बिल किसी को भेजना है तो यहाँ से आप व्हाट्सएप में भी किसी को सेंड कर सकते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के लिए पे बिल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बिल का ऑप्शन है, पे बिल पे क्लिक कर दीजिए। पे बिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं। यहाँ से मोबाइल नंबर डाल दीजिए, लेकिन मैं यहाँ से मेल आईडी और मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट गेटवे आपका बिलडेस्क से, HDFC से, PayU से, किससे पेमेंट करना है, तीन ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, आपका प्राइमरी, आपका कंज्यूमर नंबर आ जाएगा। उसके बाद मेल आईडी जो आपने डाला है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला है वो मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। उसके बाद आपका डेट, टाइम, आपका जो भी अमाउंट है यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पेमेंट करने के लिए आप श्योर हैं, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्विक पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्रेडिट कार्ड क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डिटेल डाल दीजिए, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद में उसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 सेकेंड, आपके नेट के ऊपर, आपका नेट कैसा चल रहा उसके हिसाब से टाइम लगेगा। मेरा नेट अभी फास्ट है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल दीजिए। OTP डालने के बाद में यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद कुछ सेकंड में ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू करके आ गया है। इसको आप नॉलेज के लिए स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं।
उसके बाद भी इस वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको कुछ कंप्लेन देना है तो आप इसका कंप्लेन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं, इस पे कंप्लेन पे क्लिक करके उसके बाद में आपको एक फॉर्म ओपन होगा, तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जो भी कंप्लेन है आपका, आपका सीए कंज्यूमर नंबर डाल दीजिए, आपका जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है सब डिटेल्स डाल के ओके कर दीजिए, आपका कंप्लेन फाइल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्विस नंबर मिलेगा, आप वहाँ से बाद में कंप्लेन चेक कर सकते हैं, आपका कंप्लेन कहाँ तक पहुँचा है, कंप्लेन के बारे में सब जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नया कनेक्शन भी लेने के लिए आप यहाँ से नया कनेक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।